हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। अब वो कल डिसोल्यूशन पे हमारा लास्ट लेक्चर होगा, आज सेकंड लास्ट लेक्चर है। 44 तक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दे दिए थे, आज बेटा 48 तक कर लेंगे और शुरू के 18 में से क्वेश्चन शुरू कर देंगे। मेन तरफ देखना सर, मेमोरेंडम बैलेंस शीट पर क्वेश्चन है, ठीक है जी। 45 भी, 46 भी, 47 भी, 48 भी, मैं क्वेश्चन नंबर 48 कर रहा हूँ, कुछ नई बात है, सिखा पाऊंगा आपको उससे। और उसके बाद बेटा मैं शुरू किया 18 क्वेश्चन जो जनरल एंट्री पर बेस्ड है, आज जनरल एंट्री का एक क्वेश्चन करके जाऊंगा सबसे मुश्किल, ठीक है जी। आपके लिए होमवर्क एडवांस बता देता हूँ, तीन क्वेश्चन तो ये है ही है। जनरल एंट्री के शुरू के 6 क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन में एक एंट्री पूछी हुई है, किसी में दो, इससे ज्यादा नहीं है, वो 6 मिनट के ही क्वेश्चन है। मैंने अभी 6 ही दिए हैं क्योंकि वो 6 सबसे आसान है। 7th क्वेश्चन से लेंथी क्वेश्चन शुरू है, 7th से नहीं दे रहा अभी, ठीक है जी, ताकि आप ये 3 क्वेश्चन भी कर पाओ, ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 45, 46, 47 और 126 पढ़ते हैं, 48 क्वेश्चन सब सामने देखेंगे बाबू। कहते हैं पी क्यू एंड आर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन देयर रेशियो 3:3:2, देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल आर एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग प्रपोर्शन। कहते हैं इनकी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग के ही प्रपोर्शन में लगी हुई है, यानी कि 3:3:2 में ही कैपिटल भी लगाई हुई है इन्होंने। अच्छा जी, कहते हैं ऑन 1st अप्रैल 2023 द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एंड द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व आर 80,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। अब फर्म की कैपिटल लगी हुई है 80,000 और जनरल रिजर्व लगा हुआ है 20,000, ठीक है जी बाबू। लेकिन ये कैपिटल कब लगी हुई है? 1 अप्रैल 2023 को, मेरा फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, तो ये ओपनिंग कैपिटल ना हुई। चलो पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 23-24 फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 28,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। कहते हैं पूरे साल भर में प्रॉफिट हुआ 28,000 का, लेकिन ये 28,000 का प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है जी। ड्रॉइंग्स दी हुई है पार्टनर की 8,000, 7,000, 5,000, ठीक है जी। कहता है 31 मार्च 2024 को लाइब्रेरी है 18,000 एंड ऑन दिस डेट दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। 31 मार्च को ही उन्होंने फर्म को डिसॉल्व करना भी तय कर दिया। तो बाबू आपको नहीं लगता अगर लाइबिलिटी 31 मार्च के दिन की पता है तो बेटा मुझे जो कैपिटल चाहिए होगी वो भी 31 मार्च के दिन की चाहिए होगी, तभी तो बैलेंस शीट प्रिपेयर हो पाएगी। यानी कि बेटा मुझे गिवन तो है ओपनिंग कैपिटल, और मुझे कहां तक पहुंचना है? मुझे क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचना है, ठीक है जी बाबू। कहते था एसेट्स रियलाइज्ड एट, यानी कि इससे पहले की सारी इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट के काम आएगी, मेमोरेंडम बैलेंस शीट के, और इसके बाद के सारी इंफॉर्मेशन रियलाइजेशन के काम आएगी। एसेट्स रियलाइज हुई हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू पर और रियलाइजेशन के खर्च 1,800 रुपये। कहता है प्रिपेयर द नेसेसरी लेटर। अब नई बात क्या है? आपको क्वेश्चन बढ़ के ही पता लग गया होगा कि ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाना है, वही नई बात है, बाकी तो क्वेश्चन सब कुछ पुराना है, सब ताम झाम पुराना है, ठीक है जी। मैं बस मेमोरेंडम बैलेंस शीट तक क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद का क्वेश्चन आपके हवाले है, ये बता दी, ठीक है जी। 1 मिनट का ही क्वेश्चन बचेगा उसके बाद। बाबू सब सामने देखो, पहले मेरी तरफ तीन पार्टनर है, कैपिटल दी हुई है 80,000 रुपये फर्म की, और पहली लाइन में बोल दिया था कि कैपिटल प्रॉफिट की ही रेशो में है, यानी कि बेटा जो ओपनिंग कैपिटल लगी हुई है वो बाबू 30,000, 30,000 और 20,000 लगी हुई है, क्योंकि 3:3:2 था बाबू पीएसआर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? क्वेश्चन ने कहा कि बेटा कुछ ड्राइंग्स भी हुई है, कुछ ड्राइंग्स भी की है ए बी और सी ने, कितनी ड्राइंग्स की है? 8,000, 7,000 और शायद 5,000, सही है, 8,000, 7,000 और 5,000, ठीक है सर। ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल तक कैसे जाते हैं? अगर ये बात अगर आपको आज नहीं आती तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, फंडामेंटल चैप्टर में कंसेप्ट लिखवाया है, पूरी पीएचडी कराई हुई है, ठीक है जी। जिन्होंने आज तक फंडामेंटल की वीडियो नहीं देखी, भगवान उनका भला करे। चलो जी, है ना बाबू, आगे बढ़ाते हैं बात को। क्वेश्चन कहता है कि 28,000 रुपये प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले बाबू, यानी कि आपको एक और अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करोगे जहां प्रॉफिट निकालोगे कि कौन सा प्रॉफिट आपने कैपिटल में ट्रांसफर किया है, याद आई बात।
बाबू मैंने अकाउंट बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको पता है अकाउंट की शुरुआत कहाँ से होती है? या तो प्रॉफिट से या तो लॉस से। भाई पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 28,000 का प्रॉफिट था आपके पास, ठीक है जी। बाबू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने हैं सबको 5-5%। ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल कितनी लगी हुई है बिजनेस में? अगर मैं कंसेप्ट याद करूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज चार्ज ऑन द ओपनिंग कैपिटल। तो बाबू बिजनेस में कैपिटल लगी हुई है 30-30-20, ठीक है जी। यानी कि बेटा 5-5% मुझे अगर इंटरेस्ट देना है तो 1500, 1500 और 1000, 4000 का तो इंटरेस्ट ही चला गया, 4000 का तो इंटरेस्ट ही चला गया। जो बचा बाबू, हम लिखते थे इसको टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट, याद है बात? वो खत्म हो गई, ये तो याद ही होना चाहिए। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू कैपिटल अकाउंट, बाबू कितना प्रॉफिट बचा? 24,000 पार्ट टू 3:3:2 में, यानी कि 9 और 6 यही बैठेगा 24,000। कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ाए सर, जोड़ दो सब कुछ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1500, 1500, 1000, प्रॉफिट अभी कैलकुलेट करा 9, 9 और 6, 9,000, 9,000, 6,000। अब कैलकुलेट हो सकती है क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। वैसे मैं एक बात बताऊं, जो मैं ये एड लेस कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई हाय तोबा वाली बात बता रहा हूं। 11th क्लास में थे ना, जब छोटे छोटे बच्चे थे, बैलेंस शीट बनाते थे, आप ये सारा काम यहीं कर देते थे बैलेंस शीट में। याद करा देता हूँ, कैपिटल ऐड कर दो नेट प्रॉफिट, माइनस कर दो नेट लॉसेस, प्लस कर दो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, माइनस कर दो ड्रॉइंग्स, प्लस कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये करते थे आप 11th क्लास में। तो बाबू ये ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक जाने का तरीका ही तो है, ये प्लस माइनस करने का क्लोजिंग कैपिटल ही तो आएगी। मैं भी तो वही कर रहा हूँ, ये देखो तो सही, मैं कोई और थोड़ी कुछ कर रहा हूँ, मैं भी वही कर रहा हूँ जो 11th क्लास में करते थे। जिन्होंने फंडामेंटल नहीं पढ़ा उनके लिए मैंने आसान बात बोल दी, ठीक है जी। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। बाबू मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गई, अब मैं बैलेंस शीट बना सकता हूँ 31 मार्च के लिए। जब बेटा आप बैलेंस शीट बनाओगे, मतलब पहले तो नाम ही लिख देना मेमोरेंडम बैलेंस शीट। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे 31 मार्च 24 के दिन, तो कैपिटल लिखोगे ए बी और सी की, 32,500, 33,500 और 22,000 रुपये, 88,000 की कैपिटल। आज के दिन ही उसने लाइबिलिटी भी दी हुई है, पर मैं एक चीज पे स्पेशली जोर डालना चाहता हूँ, जनरल सर भूल मत जाना, सब रायता हो जाएगा। उसने कहा था 1 अप्रैल 23 को कैपिटल है 80,000 और जनरल रिजर्व में 20,000। सर जनरल रिजर्व अगर 1 अप्रैल को थे तो 31 मार्च को भी होंगे, मैंने कौन सा बांट दिए, होंगे ना 20,000 के। और बाबू आज के दिन ही उसने बताया कि लाइबिलिटी भी है 18,000 रुपए की। जनरल रिजर्व 20,000 के, अदर लाइबिलिटी 18,000, अब देख लो कितना आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं सर? सन्ड्री एसेट्स वुड बी द बैलेंसिंग फिगर 1,26,000। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी तो नहीं है, एडजस्टमेंट के नाम पे दो एडजस्टमेंट है, एसेट्स इतने रुपए की रियलाइज हुई और रियलाइजेशन के खर्चे इतने रुपए, खत्म। अब वो आगे का कर लेना, जो मुश्किल क्वेश्चन था वो मैंने खुद निपटा दिया, ठीक है। आगे बढ़े सर, अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ जर्नल एंट्री पर बेस्ड, जो मुझे लगता है कि पूरी किताब का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 7। मैंने रेयर क्वेश्चन में, रेयर चैप्टर में इलस्ट्रेशन करे हैं, अगर मैं कर रहा हूं तो इसकी इंपॉर्टेंस समझ लेना, ठीक है जी। 9 बातें हैं एक जैसी हैं, बड़ी परेशान करती हैं बच्चों को। खैर आपको परेशान होने नहीं दूंगा मैं, पहले मैं अपना कंसेप्ट क्लियर कर दूं, फिर मैं बेटा इलस्ट्रेशन 7 पढ़ूंगा, मेरी तरफ देखते रहेंगे सब। वो इधर देखना, अगर मैं आपको एक बात बोलूं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, प्लीज सामने देखना, अगर मैं आपको एक बात बोलूं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस
20,000 एंट्री क्या करोगे फटाफट से बताओ, फटाफट से एंट्री बताओ क्या करोगे, रियलाइजेशन टू बैंक या टू कैश, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? एंट्री यही करूंगा ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट 20,000। अब मेरी तरफ देखना, मैं यहां से आपको एक बात बताता हूं बाबू, रियलाइजेशन के खर्चों में ना दो वर्ड आएंगे, अब आपको परेशान करना शुरू कर देंगे। एक वर्ड आएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज बॉन्ड बाय, बॉन्ड बाय मतलब बियर बाय, कि रियलाइजेशन के खर्चे बियर कौन कर रहा है, और दूसरा वर्ड आएगा पेड बाय, कि पे कौन कर रहा है। मेरी तरफ देखो प्लीज, वो ये बात समझा सकती होगी ना, जो कहोगे वो हार जाऊंगा, आराम से सामने देख लो बात समझ लो। दो वर्ड आएंगे बड़ा परेशान करने शुरू कर देंगे, यार क्वेश्चन में वर्ड देना शुरू कर देंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज बॉर्न बाय दिस वन एंड पेड बाय दिस वन। ये दो वर्ड है, बॉर्न बाय का मतलब समझते हो, खर्चा किसने मान लिया कि मेरा है, और पे कौन कर रहा है, ठीक है, पेड बाय मतलब पे कौन कर रहा है, और बॉर्न बाय या बियर बाय इसका मतलब क्या है कि कौन मान रहा है मेरा खर्चा, ठीक है। अगर बाबू किसी क्वेश्चन में कुछ भी ना कहा जाए, इस क्वेश्चन में किसी ने कहा कि रियलाइजेशन का खर्चा किसका था और पे किसने किया, तो मानते हैं था भी फर्म का और पे भी फर्म ने किया। अगर फर्म का खर्चा था तभी तो मैंने खर्चा मान के रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं। और अगर ये नहीं बताया पे किसने करा, मैंने यही तो मान लिया फर्म ने पे कर दिया, तभी तो लिख दिया टू बैंक अकाउंट, वरना लिखता थोड़ी। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अच्छा मैं यहाँ पर ये कह दूँ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000 इज, प्लीज सामने देखना, प्लीज सामने देखना, गड़बड़ हो जाएगी, इज बॉर्न बाय ए पार्टनर एंड पेड बाय फर्म। एंट्री बताना क्या करोगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसने बॉर्न करे, ए ने, ए ने का जी मेरा खर्चा है, पर पे किसने कर दिए, फर्म ने कर दिए। इधर देखना, अगर फर्म ने पे कर दिए, जेब से पैसा चला, जेब से पैसा चला क्या? अच्छा था किसका खर्चा, था ए का, तो इससे निकलवा लो, क्या करो ए की कैपिटल को डेबिट कर दो, उससे निकलवा लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो? पहली बात और दूसरी बात में फर्क समझ में है, पक्की बात देख लो। चलो आओ तीसरी बात, सर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज पेड बाय ए पार्टनर। भाई कहते हैं रियलाइजेशन के खर्चे किसने पे कर दिए, ए ने। अच्छा ये बताया कि बॉन कौन कर रहा है, जब भी ना बताए बॉन कौन कर रहा है या पे कौन कर रहा है, हमेशा किसका नाम है, फर्म का, यानी कि किसका खर्चा था, था फर्म का। अगर हमारा खर्चा था तो दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, हमने पे किया, किसने पे किया, ए ने, देना है उसको, देना है, कैसे दो, कैपिटल बढ़ा दो उसकी, तो एस कैपिटल, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? चौथा पार्ट, बस अगर ये चारों समझ में आ गए तो आपको सारा फर्क समझ में आ गया, पूरी गेम समझ में आ गई। तो बच्चा आसानी से समझ नहीं पाते, तुम तो आसानी से झेल गए बहुत, इसे लगता है कि समझने पे जोर है मतलब। अच्छा मैं ये कहूँ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 20,000 इज बॉर्न एंड पेड बाय ए पार्टनर, रियलाइजेशन के खर्चे 20,000 हैं किसके, ए के, पे किसने किया, ए ने, क्या एंट्री करूं मैं, क्यों करूं, खर्चा किसका है, ए का, पे किसने करा, ए ने, मैं पार्टनरशिप फॉर्म के अकाउंट्स बना रहा हूं, वेला थोड़ी हूं एक ही बातें यहां करूं, नो जर्नल एंट्री। कल एक क्वेश्चन आया था श्रीजन, सेम बात थी, खर्चा भी श्रीजन का था, पे भी श्रीजन ने किया था, तो मैंने थोड़ी करा था उसका कुछ। चारों बातें समझ में, इधर देखना, खर्चा फर्म का हो पे भी फॉर्म करे एंट्री है, खर्चा मान लो खर्चा फर्म का हो पे कोई पार्टनर कर दे, सर खर्चा किसी पार्टनर का हो पे फॉर्म कर दे, और खर्चा किसी पार्टनर का हो पे भी पार्टनर कर दे, दिखाई दे रहा चारों बातों में फर्क है, पक्का से, बस फिर तो झेल जाओगे, फिर कुछ नहीं बचा। आओ सर
पहली एंट्री कौन बताएगा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000, अवनी क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक 10,000, कोई दिक्कत तो नहीं? जब ये नहीं बताया बॉन किसने करा और पे किसने करा, तो किसने किया होगा? फर्म ने, बॉन बाय फर्म, पेड बाय फर्म। आगे बढ़ाते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर पेड बाय तरन अ पार्टनर, बॉन बाय नहीं बताया, तो बॉन बाय क्या होगा? फर्म होगा। आई सी एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तरन्स कैपिटल। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मैं लिख के टाइम तो ना खराब करूं आपका और अपना, समझ में आ गई ना पक्का बात? जब ये नहीं बताया कि रियलाइजेशन का 5,000 रुपये खर्चा किसका था, तो किसका होगा? फर्म का। और अगर फर्म का खर्चा था, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, आपने क्या किया होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। पे किसने किया? आकाश एक्सीडेंट हो उसको बाबू, पे किसने कर दिया? तरन ने, एक पार्टनर है बाबू, अगर उसने पे कर दिया उसकी कैपिटल बढ़ा दो, तो तरन्स कैपिटल। ठीक है, थर्ड वन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन अ पार्टनर। आराम से ठंडे दिमाग से, रियलाइजेशन का खर्चा 5,000 रुपये फर्म ने पे कर दिया, किसके बिहाफ पर? मदन के बिहाफ पर, यानी कि मदन का खर्चा था, उसने कहा ना उसके बिहाफ पर पे किया, यानी कि खर्चा मदन का था, पे हमने कर दिया। समझदार को इशारा काफी। बॉर्न बाय मदन, पेड बाय फर्म। आयुष एंट्री, मदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। भाई अगर फर्म ने पे कर दिया, जेब से बैंक बैलेंस कम हो गया तो टू बैंक। सर मदन का खर्चा था ना, उससे निकलवाओ, मदन की कैपिटल कम कर दो, मदन्स कैपिटल डेबिट टू बैंक। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तीन एंट्रियों में कोई दिक्कत है किसी को पूछ लो। अगर आप कहते हो कि मुझे लिखना है तो मैं लिख भी दूंगा। वन से समझ में आ रहा है तीनों? ठीक है जी। फोर्थ वन, पवन अ पार्टनर वाज पेड रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 20,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कहते पवन एक पार्टनर है, आपने उसको रेम्यूनरेशन दे दी, खर्चों को शामिल कर गए, खर्चे भी जुड़े हुए हैं कि डिसोल्यूशन तो कराएगा, 20,000 रुपये दे दिए। ठीक है, कहता है खर्चे हुए 10,000 के, मैंने तो खर्चों समेत दिए ना वैसे। कहता है एक्सपेंसेस इंकर्ड वर पेड बाय पवन, वो तो थे ही उसके, मैंने तो बस उसको रेम्यूनरेशन देनी थी 20,000, पवन को रेम्यूनरेशन दी। समझदार को इशारा काफी। रियलाइजेशन टू पवन कैपिटल 20,000, दैट्स इट। ठीक है ना जी, बस 20,000 रुपये रेम्यूनरेशन दे दो। कहता है एक्चुअल खर्चे 10,000 रुपये, मैं क्यों कुछ करूं, मैंने तो रेम्यूनरेशन दी खर्चों के साथ। अब पवन पे करेगा, पवन अपनी बुक्स में जाने क्या करेगा, मैं पार्टनरशिप फर्म की बुक्स बना रहा हूं, मेरा कोई रोल नहीं है, 20,000 की रेम्यूनरेशन लेनी थी, देती। ठीक है राघव, बढ़े आगे चलो। फिफ्थ वन, मैं इस बात को कंपेयर कराऊंगा अभी एक किसी और चीज से, शायद एट पॉइंट से, तब आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। फोर्थ को एट से जब कंपेयर करेंगे, अभी आने तो जब एट आएगा तब देखेंगे। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000 आउट ऑफ द सेट एक्सपेंसेस 3,000। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत बढ़िया, जान लगा तो पूरी पढ़ने में। अगर ये क्लियर कर दिया आपने, सब कुछ क्लियर कर दिया। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000 आउट ऑफ द सेट एक्सपेंसेस 3,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म एंड द बैलेंस बाय रवि अ पार्टनर। कहता है डिसोल्यूशन में टोटल खर्चे हुए 8,000, 3,000 फर्म बियर कर रही है खर्चे, और बाकी कौन कर रहा है? रवि कर रहा है, एक पार्टनर। मतलब 3,000 का खर्चा फर्म का है, 5,000 का खर्चा रवि का। कहता है 8,000 वर पेड बाय फर्म, लेकिन 8,000 रुपये किसने पे कर दिया? फर्म ने। एक मैं लिख के दिखा देता हूँ, ये मैं ही करके दिखा देता हूँ, सामने देखना। 3,000 का खर्चा फर्म का है, दुनिया के सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। फर्म की तो बुक्स बना रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कितना खर्चा है हमारा? 3,000। कहता है पे कितना कर दिया हमने? पूरा का पूरा 8,000। तू बैंक अकाउंट, मैंने पूरा 8,000 पे कर दिया। 5,000 खर्चा किसका था? रवि। मंगाओ उससे, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, बढ़ा दो उसकी कैपिटल। रवि इस कैपिटल डेबिट। भाई 5,000 खर्चा तेरा था, पे तूने मुझसे करा दिया 8,000, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाए, इसमें एक चेंज कर रहा हूं मैं, यही दिमाग कह रहा है खुराबाती करने को। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000, 3,000 ऑफ द एक्सपेंसेस वर बॉर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय द रवि अ पार्टनर। इतनी स्टेटमेंट से 8,000 रुपीज पेड बाय द रवि। अब बताओ क्या करेगा?
समझ में आया क्वेश्चन भाई? यहां से लेकर यहां तक सेम, 8000 आर पेड बाय द फर्म था ना, 8000 आर पेड बाय रवि। अभी नोटबुक में एंट्री लिख दो, एक मिनट लगाकर देख लेते हैं क्या लिखते हो। एंट्री क्या करी? रियलाइजेशन टू रवीज कैपिटल अमाउंट बताओ, 3000। जिन्होंने एंट्री करी बिल्कुल ठीक करी भाई, 5000 तो खर्चे ही रवि के थे पर रवि ने ही पे कर दिया, तो उस 5000 की तो कोई एंट्री होनी नहीं चाहिए ना। बॉर्न बाय रवि, पेड बाय रवि है सर। सर एक सेकेंड, यहां लिखा हुआ है 8000 फर्म ने पे कर दिए, मैंने एक ही तो चेंज करा स्टेटमेंट में, 8000 रवि ने पे कर दिए। अब मैं वही तो समझाने चाह रहा हूं भाई, 5000 का खर्चा था रवि का, उसने टोटल 8000 पे करे ना, अपने हिस्से की भी तो 5000 पे करे, 5000 तेरा ही खर्चा था, 5000 तो नहीं पे कर दिया, उस 5 की तो कोई एंट्री ना करूं। 5000 3000 खर्चा फर्म का था और 3000 पे उसने कर दिया, उसी की तो एंट्री करूं जिसमें फर्म का नाम है, तो वही तो कर रहा हूं। 3000 फर्म का खर्चा था, रियलाइजेशन डेबिट 3000, पे किसने करा? रवि ने। अगर उसने पे करा उसकी कैपिटल बढ़ा दो तो रवि इस कैपिटल 3000, 5000 की तो कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है क्लियर। अगर ये बात पल्ले बांध लो, बॉर्न बाय और पेड बाय, मैं कह रहा बताओ दुनिया में कितने कंसेप्ट बना रहे, इन 9 से ऊपर कुछ नहीं है, ये 9 के 9 की दो बार प्रैक्टिस कर लेना और पूछ लेना पेपर को, कह देना जब बना मुश्किल दिखा बनाते मुश्किल। और आगे बढ़ो, 6th वन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5000 वर बॉर्न एंड पेड बाय करना पार्टनर, क्या करो? 9 चैनल एंट्री, बॉर्न एंड पेड बाय पार्टनर, भाई खर्चा तेरा, पे तूने करा, मैं क्यों करूं कुछ। आगे बढ़ो, मनोज आर पार्टनर टू कैरी आउट अ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 10000, मनोज डिसोल्यूशन करा रहा है, उसको रेम्यूनरेशन दी 10000, रियलाइजेशन टू मनोज कैपिटल 10000, खत्म बच्चों वाली बात। अब आएगी बढ़िया बात, देव अ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 15000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, देव को 15000 रुपए तो रेम्यूनरेशन दी, रियलाइजेशन के खर्चे हुए 8000 आर पेड बाय द फर्म। प्लीज मेरी तरफ देखना, 4th और 8th को कंपेयर कर लो अच्छे से, ढंग से पढ़ लो जितना ढंग से पढ़ सकते हो। पढ़ा ढंग से, मेरी बात सुन सर, यहां पर जब रेम्यूनरेशन दी थी ना तो कहकर दी थी कि खर्चे के साथ है ये रेम्यूनरेशन, खर्चे तू देखेगा भाई। यहां जब रेम्यूनरेशन दी तो ये बताया कि देव तेरे खर्चे हैं, तो खर्चे किसके हैं? फर्म के, अगर कुछ नहीं बताया तो पहले रेम्यूनरेशन देने की एंट्री, रियलाइजेशन टू देव कैपिटल दे दी रेम्यूनरेशन, अब खर्चे भी मेरे और पे भी मैंने ही करे, फर्म के खर्चे फर्म नहीं पे करे, तो रियलाइजेशन टू बैंक 8000 अलग, यानी कि यहाँ दो एंट्री होंगी, रियलाइजेशन टू देव्स कैपिटल 15000, रियलाइजेशन टू बैंक 8000। फर्क है 4th और 8th में, समझ आया फर्क? लास्ट वन आप पढ़ो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5000 वर टू बी बोर्न बाय पवित अ पार्टनर, 5000 रुपए खर्चे रियलाइजेशन के पवित के पार्टनर है, कहता है however it is paid by Hitesh another partner, pay किसने कर दिया? Hitesh ने, एक दूसरा partner है, कहता है it is to be recorded in books। अब मैं काम की बात बता देता हूँ, अगर ये line हटा दी जाए, काटा मार दी जाए, इतना ही question हो, मैं कोई entry नहीं करके आऊँगा board के paper में, क्यों? भाई born by a partner, paid by another partner, firm क्या कर रही है बीच में? तुम दोनों अपनी अपनी books में देखो क्या करना है, मैं क्यों करूँ कुछ, ठीक है? लेकिन इसने करना ही नहीं है, बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको। अच्छा चलो, जबरदस्ती की बात है तो कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्ड तो मैं कर ही दूंगा। इधर देखना भाई, अगर हितेश ने पे करे है तो उसको पैसे दिलवाने हमें, उसकी कैपिटल बढ़ा दो, लो जी उसकी कैपिटल बढ़ा दो टू हितेश कैपिटल, और खर्चे पवित के थे, बाबू पवित से निकलवाओ पैसे, पवित कैपिटल डेबिट, पवित से निकलवा कर हितेश को दिलवाने हैं, यानी कि बस इतना सा काम है फर्म का, पवित की कैपिटल कम करो, हितेश की बढ़ा दो, इससे पैसे निकलवाओ, इसको दिलवा दो, ठीक है? कायदे से फर्म को कुछ करना नहीं चाहिए, ये पार्टनर का अपना मुद्दा है, वो आप अपने आप निपटाओ, फर्म क्यों आएगी बीच में?
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 126 कर लेना, और ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, इसको तो पल्ले बांध लो। मैंने अभी तक कोई शायद इलस्ट्रेशन न करा, ये पल्ले बांध लो भैया। ठीक है जी, माइंड अप कर दो, रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।